गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मानस क्लिनिक टैगोर नगर से आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, सिंपथाइजर डॉक्टर राजीव गुप्ता। आपने मेरे कई यूट्यूब चैनल से वीडियोस देखे होंगे जो आम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्शन के बारे में आपने देखे होंगे। ऑलमोस्ट पिछले 40 सालों से जो है मैं साइकियाट्री के फील्ड के अंदर हूँ, इसके पेशेंट देखता हूँ और जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करता हूँ। आज का जो ज़माना है उसमें इन्फॉर्मेशन का होना, गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हर इंसान के मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि क्या जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं, वो हमारे देश के अंदर बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। जो हालात हमारे देश में 20 साल पहले थे, जो मेंटल इलनेसेस की पोजीशन 20 साल पहले थी, क्या उसमें कोई चेंजेस आई हैं? अगर वो बढ़ रही हैं उनके कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस विद यू व्हाई द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इंक्रीजिंग एंड आई एम वेरी श्योर दे इंक्रीजिंग। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, मेरे जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं या जॉब्स करते हैं, हम सबका यही एक्सपीरियंस है कि पिछले कुछ दशक से जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं हमारे देश के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर उनकी बढ़ोतरी हुई है, उनका नंबर बढ़ा है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो स्ट्रेस है, जो ज़िंदगी का तनाव है, वो कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को बढ़ा रहा है और किस तरीके के साथ हमारे शरीर के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जिसके साथ में मेंटल डिसऑर्डर बढ़ता है। सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम स्ट्रेस सेंसिटिव हैं। एक लिमिट है, किस लिमिट के अंदर हम तनाव को अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, शरीर के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जब वो तनाव जो है बढ़ जाता है, हमारा जो जिस्म है, हमारा दिमाग है, उसको हैंडल नहीं कर पाता। आप छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो सिंपल काम है, अगर वही काम डिफिकल्ट होता जाता है, जटिल होता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, तो आपको उस काम के डायमेंशन आपके लिए बढ़ जाएंगी, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका तनाव बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक आदमी जो है एक स्कूल में टीचर है और उसकी 5 क्लासेस लेता है, उसको बोला जाता है भाई तुम उसकी 10 क्लासेस लो, और वो उसको ऐसी क्लासेस लेनी पड़ती हैं जो ज़िंदगी में उसने उन क्लासेस को कभी नहीं लिया या सब्जेक्ट्स को कभी नहीं पढ़ाया। अब उसका वर्किंग टाइम स्कूल या कॉलेज में बढ़ जाता है, उसको घर में तैयारी करनी पड़ती है और उसको डिफ़िकल्टी आती है उसको कोप करने में। हम कहते हैं कि उस पर्सन की जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है। सो जो आज की ज़िंदगी है वो डे बाय डे जो जो वक्त गुजरता जाता है वो कॉम्प्लिकेट हो रही है। अगर आप 20 साल पहले स्कूल एजुकेशन देखेंगे, कॉलेज एजुकेशन देखेंगे, तो सिस्टम 10-20 साल पहले रन होते थे, आज वो नहीं है। और जो सिस्टम चीज तब्दीली आ रही है, सामाजिक तब्दीली आ रही है, पारिवारिक तब्दीली आ रही है, हर इंसान की जो ज़िंदगी है उसके एम्बिशंस में तब्दीली आ रही है। बच्चे देश विदेश में जाके पढ़ते हैं, दूसरे शहर में जाके नौकरियां करते हैं। हर इंसान के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे सरकारी नौकरी करता है, किसी बैंक में काम करता है, अपना बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर है, अमाउंट ऑफ द वर्क वी सपोज टू डू, जितना उसको काम करना पड़ रहा है, जितना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना पड़ रहा है, वो काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जो लोग स्ट्रेस प्रोन होते हैं, जो स्ट्रेस सेंसिटिव होते हैं, जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती उस चीज़ को हैंडल करने की, वो लोग जो है जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं। आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा रीज़न है मेंटल डिसऑर्डर के बढ़ने का, आप अक्सर देखते हैं कि सुसाइड रेट बढ़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रही है, रोड रेज बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, कार्डियक इलनेसेस बढ़ रहे हैं, अस्थमा बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों में ये जो कॉमन फैक्टर है वो स्ट्रेस का है। जो मेरा क्वेश्चन पहले था प्रेजेंटेशन इशू करने से पहले कि क्या मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, मेरा आंसर बड़ा अफर्मेटिव यस है, यस फ्रेंड्स, मेंटल डिसऑर्डर जो हैं बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं उसके कई कारण हैं, और एक जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो है तनाव का होना और स्ट्रेस का होना। फ्रेंड्स, जो स्ट्रेस है हमारे दिमाग पर असर करता है, हमारे दिमाग में उस ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं,
पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं। जब नेगेटिव हार्मोन्स हमारे ब्रेन के अंदर बढ़ जाते हैं, उनका इफेक्ट जो है ब्रेन के ऊपर होता है, ब्रेन टॉक्सिक हो जाता है, ऐसे केमिकल्स होते हैं ब्रेन को टॉक्सिक कर देते हैं, और जो हमारे ब्रेन की वर्किंग है उसमें अफेक्ट होता है। जब ब्रेन की वर्किंग अफेक्ट होती है, हम की बात कन्फ्यूज हो जाते हैं, इरीटेट होते हैं, एंग्शियस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, पैनिक अटैक में चले जाते हैं, हम कोप अप नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम कोप अप नहीं कर पाते, हम माइंड का बैलेंस लूज हो जाता है, हम साइकोटिक हो जाते हैं। तो सारी डायमेंशन जो हैं, एक जो सिंपल सा स्ट्रेस है, चाहे वो एक्यूट स्ट्रेस है या क्रॉनिक स्ट्रेस है जो लंबे टाइम के लिए चल रहा है, इन मानसिक अवस्थाओं को पैदा कर सकता है, जिनको हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। सो माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, जो तनाव पड़ रहा है उसके कारण जो मानसिक बीमारियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सेक्शंस के अंदर ये जो मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही हैं इनको कैसे कम करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।